डायरी। जिन लोगों को कोविड हो गया है और ठीक भी हो गया है, उन लोगों को कोविड ठीक हो जाने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस करके एक इन्फेक्शन होने के केसेस आ रहे हैं। भारत में मुंबई, दिल्ली और गुजरात में ये केसेस आए हैं और गुजरात में अहमदाबाद और बड़ौदा में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में सब कुछ, यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस क्यों होता है, उसमें क्या होता है यानी कि सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल डिसीज है जो बहुत ही सीरियस है लेकिन बहुत ही रेयर है, यानी कि बहुत ही कम लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारी होती है। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगाई की वजह से होता है जिसका नाम है म्यूकोरमाइसिटिस। ये फंगाई यूजुअली हवा में भी प्रेजेंट होती है लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकती। कभी कभी कुछ सिचुएशंस है जैसे कि डायबिटीज है, कोविड इन्फेक्शन हुआ है, HIV/AIDS जैसी कोई बीमारी है, पेशेंट लंबे समय तक अगर स्टीरोइड्स जैसी दवाइयाँ ले रहा है, तो इन कंडीशंस में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे वक्त में अगर म्यूकोरमाइसिटिस करके जो फंगाई होती है जो हवा में भी प्रेजेंट होती है वो हमारे शरीर के संपर्क में आती है तो हमें वो इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये म्यूकोरमाइसिटिस नाम के फंगाई की वजह से जो डिसीज हो रहा है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है, उसको पहचानेंगे कैसे, तो उसके सिम्टम्स क्या है, हमें क्या होगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमें ऐसा कुछ हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से हमें शरीर में बुखार आता है। ये इन्फेक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए जब म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है तो हमें हेड हैवीनेस यानी कि सर दर्द होना, यहाँ के रीजन में भी भारी भारी लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, चेस्ट पेन होना, ये सब सिम्टम्स दिख सकते हैं। और म्यूकोरमाइकोसिस का एक स्पेसिफिक दिखाव है जो कि हमारे नाक में या फिर मुंह में अंदर गले के भाग में कोई ब्लैक कलर का इन्फेक्टेड पार्ट दिखता है। म्यूकोरमाइकोसिस में ये जो म्यूकोरमाइसिटिस नाम की जो फंगाई होती है वो हमारी अंदर की जो चमड़ी होती है उसे और उसके अंदर जो हड्डी होती है, जो मसल्स होता है, उन सब लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर किसी को भी इन सब सिम्टम्स में से कोई भी लक्षण अपने शरीर में दिखाई दे तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर क्या करते हैं जिससे उनको पता चलता है ये म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी है, तो इस बीमारी में सिटी स्कैन, MRI और हमारे मुंह में से या फिर नाक में से वो फंगाई का सैंपल लेकर उसको माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग किया जाता है जिससे पता चलता है कि ये इन्फेक्शन कौन सी माइक्रोबियल एजेंट की वजह से है। तो उसके हिसाब से उसको दवाइयाँ दी जाती है और उसकी ट्रीटमेंट आगे की जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि म्यूकोरमाइकोसिस अनट्रीटेबल है ऐसा नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट है। तो इसमें डायग्नोसिस के दौरान जो फंगाई का सैंपल लिया जाता है उसका ड्रग इफेक्टिवनेस चेक किया जाता है, यानी कि जो फंगाई का इन्फेक्शन हुआ है उसको कौन सी दवाई असर कर रही है, उसके हिसाब से उस पेशेंट को इंट्रावीनस यानी कि खून में दवाई दी जाती है। एंटीफंगल दवाइयाँ, कुछ न्यूट्रिटिव और कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। और जब हमें डिसीज हुआ है उस वक्त हमारे डाइट का भी पूरा ध्यान रखा जाता है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी हो सके उतनी पावरफुल रहे और इन्फेक्शन ज़्यादा आगे ना बढ़े। उसके बाद ये होता है कि जब हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर फंगाई के इन्फेक्शन की वजह से कुछ पोर्शन डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो कचरा हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, इसलिए उस कचरे को और जो भी फंगाई होती है उसको निकालने के लिए सर्जरी भी की जाती है। तो ये है म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब हम ये देखेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस अगर शुरू में ही डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुई, तो हमारे शरीर में उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये है कि उससे हमें ब्लाइंडनेस आ सकती है, यानी कि हमारी आंखों की रोशनी चली जा सकती है, क्योंकि वो जो डिसीज़ है, वो जो फंगाई है, वो नाक के रास्ते से हमारे आंखों की जो टिश्यूज़ होती है उसको भी डैमेज करती है,
वही रास्ते से वो हमारे ब्रेन तक भी जा सकती है और ब्रेन में भी डैमेज कर सकती है। और कभी कभी हमारे शरीर की कुछ सिचुएशंस ऐसी ज़्यादा खतरनाक हो रही है या फिर कभी कभी ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इस बीमारी में डेथ भी हो सकती है, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इस बीमारी में से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अगर वक्त से ट्रीटमेंट ली जाए तो इससे ठीक भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, ये बीमारी हेल्दी लोगों को होने के चांसेस कम है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है, एड्स जैसी कोई बीमारी है या फिर कोई स्टीरोइड करके जो दवाइयाँ होती है वो लंबे समय तक ले रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जिससे हम म्यूकोरमाइकोसिस होने से बच सकते हैं, यानी कि हाउ टू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस। तो जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और ये सारी जो मैंने बीमारियाँ बताई वो है, तो उन लोगों को खास ध्यान रखना है, जैसे कि दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेनी है। स्टीम लेने की वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। दूसरा ये है कि उन लोगों को मास्क कंपलसरी पहनना है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस वक्त कम होती है क्योंकि कोविड में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें कुछ स्टीरोइड्स रहती है, उसकी वजह से कोविड ठीक हो जाने के बाद भी हमारी इम्यूनिटी कम रहती है। तो उस वक्त कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगाई अगर हमारे शरीर के संपर्क में आती है तो वो हमें इन्फेक्शन कर सकती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो एक आयुर्वेदिक तरीका है जिसमें नाक के एक छिद्र में से पानी डाल के दूसरे छिद्र में निकाला जाता है, जिसे जल नेति के नाम से जाना जाता है। जल नेति सिर्फ डॉक्टर के सलाह सूचन के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि जल नेति करते वक्त अगर पानी हमारे फेफड़ों में चला जाता है तो उसकी वजह से न्यूमोनिया होने के चांसेस भी हैं। तो एक बार डॉक्टर को पूछ के उसका सही तरीका पता लगा के ही जल नेति करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी नाक में कुछ अजीब सा लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, नाक में या फिर मुंह में कुछ ब्लैक पोर्शन दिखाई दे, बुखार जैसा कुछ लग रहा हो, तो तुरंत ही फिजिशियन के पास जाके अपने शरीर का चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है वो अगर शुरुआत के स्टेज में ही पता चल जाती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो डैमेज होता है वो बहुत ही कम होता है और उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ही ईजी रहती है। तो ये सब हुआ म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।